क्या आप जानते हो कि पीटर पैटिग्रू के डेथ की स्टोरीज मूवी और बुक्स दोनों में ही अलग है। डेथली हैलोस पार्ट 1 मूवी में जब पीटर तहखाने में हैरी और रॉन को चेक करने जाता है तब डॉबी सिर्फ उसे स्टन करता है और उसके बाद वो हमें मूवीज में आगे नहीं दिखाई देता है, पर बुक्स में कहानी पूरी ही अलग है। जैसा कि हमने गॉब्लेट ऑफ फायर मूवी में देखा था, पीटर वोल्डेमॉर्ट को उसकी बॉडी वापस दिलाने के लिए अपना राइट हैंड सैक्रिफाइस करता है और उसकी वफादारी के बदले में वोल्डेमॉर्ट उसे एक नया सिल्वर हैंड देता है। पर डेथली हैलोस बुक में जब पीटर हैरी और रॉन को चेक करने के लिए जाता है तब हैरी और रॉन उसकी जादुई छड़ी लेने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पीटर हैरी का गला दबाने लगता है, तभी हैरी पीटर को ये याद दिलाता है कि किस तरह उसने पीटर की जान बचाई थी जब सीरियस और लूपिन उसे चीखती हवेली में मारने वाले थे। ये सुनते ही पीटर हैरी का गला छोड़ देता है, पर उसी वक्त वो सिल्वर हैंड वो अपने आप ही पीटर का गला दबाने लगता है। हैरी और रॉन उस सिल्वर हैंड को रोकने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और पीटर पैटिग्रू मारा जाता है।